قلندر سے نظر آتے ہیں
लोहे कटे जो समंदर से नजर आते हैं। रिपीट कम कर दो और साउंड मुझे कान में आना चाहिए। रूप मैं बोल रहा हूँ समंदर से नजर आते हैं, कि वो है कतरे जो समंदर से नजर आते हैं। इश्क़े ख्वाजा में कलंदर से नजर आते हैं, निस्बते ख्वाजा का अजमेर में मंजर देखो, कि भिखारी भी तवंगर से नजर आते हैं। मुझे पता है कि यहाँ पर तमाम आशिकान गरीब नवाज बैठे हैं और उनकी निस्बत में मैं जैसा ही कलाम पढ़ूंगा तो तमाम आशिक उनकी मस्ती में झूमने लगेंगे। फिर भी एक मरतबा प्रूफ कर दीजिए कि वाकई यहाँ पर गरीब नवाज के दीवाने बैठे हैं, दीवानियां भी बैठी हैं। हाँ, हमारे हरकत भाई पीछे बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो अगर आगे आ जाए तो बड़ी मेहरबानी। और हमारे भाई जो उस तरफ बैठे हैं उन लोगों से भी गुजारिश है कि वो आगे आ जाए। और एक बड़ी खुशी की बात है कि इस साल मुझे मुश्ताक भाई का फोन आया था कि ये गरीब नवाज का करम हुआ है कि मेरे घर में एक चांद सा बेटा 18 साल के बाद पैदा हुआ है। तो जब उनका फोन आया मुझे तो मैं पहले तो मैं सोच रहा था कि 18 साल के बाद बेटा पैदा हुआ है। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं गरीब नवाज की कोई भी छठी जाने नहीं देता, बड़े गरीब नवाज के दीवाने हैं ये। और ये मुश्ताक भाई आप पर गरीब नवाज का करम है, ये उनकी दुआएं हैं कि मुझे हर छठी पर मुश्ताक भाई का फोन आता है, वीडियो कॉल करते हैं, मैसेज तो जरूर करते हैं कि आज मैं गरीब नवाज के दरबार में हूँ, सोचा आपको कॉल करके दीदार करवा दूँ। और मैं पता नहीं किसी ना किसी उलझन में होता हूँ, वीडियो कॉल तो नहीं लेकिन मैसेज से जरूर बात हो जाती है। लेकिन दुआ करना कि गरीब नवाज मुझे हर छठी पर बुलाए, मुझे और मेरी पूरी पार्टी के साथ मुझे बुलाए और मुझे वहाँ हाजिरी का मौका दे। बस मेरी यही तमन्ना है कि उनके दरबार में मेरी हाजिरी लग जाए, मैं उनके दर का गुलाम हो जाऊँ। बस मुश्ताक भाई उसी निस्बत में डूब करके खुशी के साथ इस कलाम को सुनना। हमारे मैं नाम भूल जाता हूँ आपका, हमारे अजीम भाई के पापा रहमान भाई, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये और इनका बच्चा मुझे, हालांकि मेरे तो दोस्त ही है अजीम भाई, मुझे हर रोज फोन करते हैं कि यार तौसीफ भाई आप कब सुनने मिलोगे, आप कब सुनने मिलोगे, कभी जहाँ का प्रोग्राम आएगा और हम आपको बुलाएंगे। यार मैं तो हर साल आपको ही बुलाऊंगा, ये इनकी मोहब्बत है। और मुझे अभी ये कह रहे थे कि भाई इंशाल्लाह अगले साल भी बोले यार आप ही को हम बुक करने वाले हैं। तो ये इनकी मोहब्बत है और ये इनकी दुआएं हैं सरकार शहनशाह वली की और चमनशाह वली की कि मुझे फिर से इस गुलाम को खिदमत का मौका दिया है। तमाम अहले कमेटी का और तमाम मेंबर्स जो यहाँ पर मौजूद है, तमाम अहले सामाईन जो मौजूद है, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे नाचीज़ को आप लोगों ने निभाया है और इंशाल्लाह पूरी रात निभाओगे। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले साल फिर मुलाकात होगी। आइए सरकार गरीब नवाज की निस्बत आप लोगों के सामने मन कवते गरीब नवाज मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें। और मन कवत को इस खुशी में सुनना कि सरकार गरीब नवाज का उर्स चालू है और सरकार को दूल्हा बनाया जाता है जब उर्स के मौके पर।
تو تمام دنیا کے تمام لوگ, تمام عاشق غریب نواز, تمام ولی اللہ سرکار دو عالم مولا کائنات غوث ابدال ولی قلندر سبھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں. بے شک اور نہ جانے کب کس کی نظر ہم پہ پڑ جائے اور ہم قطرے سے سمندر ہو جائے. آئیے سماعت کریں. خدا تمہارے ہیں یا غریب نواز. عقیدتوں سے وہاں چادر چڑھاتے ہوئے کہ عقیدتوں سے وہاں چادر چڑھاتے ہوئے تھکتے نہیں کبھی روزے پہ آتے جاتے ہوئے. اور وہ جن کے دسترخوان پہ چاندی کی تھالی لگتی ہے انہیں بھی دیکھا ہے خواجہ کا لنگر کھاتے ہوئے. مشتاق بھائی, عرس کے موقع پر وہاں پر کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں, انشاءاللہ مکھڑا سن کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. رسول پاک کا وہ لال آ گیا دیکھو اور بھاگ جاگے ہیں عرفاں میرے اگنا کے, میرا خواجہ میرا لجپال آ گیا دیکھو. Oh,
शुक्रिया आपका और आपके साथ जो लोग आए हैं उन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि सरकार की महफिल में आकर आपने बड़ी खुशी जाहिर की है और तमाम लोग ये जो बैठे हुए हैं बहुत खुश होते हैं जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ कहीं जमा हो जाते हैं। बड़ी दिल को खुशी मिल जाती है कि वाकई में ये हिंदुस्तान है। इंशाल्लाह चंद मिसरे में आपको सुनाऊंगा लेकिन उससे पहले गरीब नवाज मुकम्मल हो जाए। भाई की एक फरमाइश थी पिछले साल कि आप डब बजाओ लेकिन भाई मुझे आज रास्ते में याद आया था कि यार आज मैं डब घर भूल गया हूँ
लेकिन वक्त ज्यादा हो चुका था, मैं वापस गाड़ी लेकर जा नहीं सकता था, लेकिन कोशिश मैं आपको बताऊंगा कि डफ का पैटर्न कैसा होता है। लेकिन आप ये इमेज करना कि मैं खुद बजा रहा हूं, और ये हाँ हाँ बेटा ज्यादा उतावल मत कर, आराम से जा। तेरा भी नाम आएगा, मेरा नाम आएगा तभी तो तेरा आएगा, क्योंकि इसका भी नाम तौसीफ मेरे पीछे ही रहेगा, चाहे तू वहां बैठ के बजा या इधर बैठ के बजा, जब मेरा इशारा होगा तभी वो चलेगा। डफ का पैटर्न मैं आपको बताता हूँ कि कैसा होता है। अगर मैं लाया होता तो इंशाल्लाह आपको डबल मजा आता, लेकिन छोटी सी कोशिश आपके सामने कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा पैर बजाते हैं मेरे साथ, इनका नाम भी तौसीफ है, और अच्छे अच्छे फनकारों के साथ इन्होंने बजाया है, और बड़े बड़े फनकारों के साथ बजाया है, और ये मेरी पूरी पार्टी की मोहब्बत है कि ये मुझे छोड़कर कहीं जाते ही नहीं है। कोई बुलाता है तब भी हमको मुझे पूछ कर ही जाते हैं कि भाई मैं जाऊं क्या। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो तौसीफ भाई के साथ बजाता था, इसके साथ भी बजाते, लेकिन ये मुझे पूछते हैं, ये इनकी मोहब्बत है। बजाओ चम 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 चम
माशाल्लाह हमारे मुशाक भाई का परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों से छोटा हूँ लेकिन मैं आपसे दुआओं का तलबगार हूँ। मेरी बहन अगर मेरे लिए दुआ करेगी तो इंशाल्लाह जरूर इस भाई को बुलंदी मिलेगी। चांदी रजब सा आप लोगों ने नौबत सुनी है, वो जो नौबत बसी है चांदी रजब का चमके नूर अली का दम 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 के ख्वाजा जी की विलायत होई नौबत बाजे और शहनाई। अब देखो नौबत कैसी बजती है। 1 2 3 4
पढ़ देता हूँ, बंद कराऊंगा, कथा पढ़ूंगा तो क्या है कि पब्लिक को ऐसा हो जाएगा कि नहीं।
चमन शाह वली के शेर हैं तो हम दादा बुखारी के भी शेर हैं। दादा बुखारी का शेर है, शेरों का कितने शेर हैं मुझे बताओ, आओ मैदान पर। याद रखना ऊपर बब्बर शेर बैठा है, क्या बात है, चलते जाते बात निशान के साथ। अरे बाबा सच्चे आशिक जाते हैं। और भाई जाना नहीं है? अरे यार मैंने शेरों को बुलाया है, गिदड़ों को थोड़ी, शेर आओ, शेरों का झूमते हैं यार, ये पूछो ही मत। अब देखो शेर कैसे दहाड़ता है। अभी 2 तारीख को अजीत भाई के सामने प्रोग्राम था, नीचे अजीब भाई मुझे देखकर दंग रह गए कि यार तू वाकई में शेर निकलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि कुछ कमाल ऐसे दिखा देता हूँ कि वो खुद दंग रह जाते हैं कि यार अभी तक ये नहीं था, ये कैसा है। अभी इंशाल्लाह पिछले साल जो नहीं देखा था वो देखोगे। शेरों का
ہو گئی شیروں کی بات. اب تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ بھائی دس کا نوٹ اپنے ہاتھ میں بھی رکھو. ہاں ایک نہیں سب کی بات کر رہا ہوں, جتنے چمن شاہ کے دیوانے ہیں نا وہ اس جھولی میں تعاون کریں گے اور سب کو ادھر آنا پڑے گا, کیونکہ ہم لوگ آج کل دو پانچ روپے تو ایسے ہی لٹا دیتے ہیں یار. بال ہلا ہلا کے جھومتی ہے یار, درد ہوتا دبانے والا کوئی نہیں ہوتا. مشکل مینپور میں میں نے بہت درد میں جھیلا تھا مجھے پتا, لیکن وہاں کا ماحول کچھ ایسا تھا بھائی کہ جو لوگ جتنے محفل میں بیٹھے تھے وہ سارے کے سارے اسٹیج کے پاس تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پر آ کر جھوٹو, ایک مرتبہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام لوگ جتنے بیٹھے ہیں یہ اپنے ہاتھوں میں ایک روپیہ یا دس روپے یا سو روپے لے کر اس جھولی میں اٹھ کر آئیں گے. ایک مرتبہ, ایک مرتبہ سمندر کی طرح آ جاؤ بس. شیروں کو اور جو نہیں آئے گا اس کو اس کے ماں باپ کا واسطہ. شیروں میری سپاری تو نہیں لی آج, بار ایک بار پھر لاؤ پھر لاؤ پھر لاؤ.
बाजी कर रखे ताकत नहीं है भाई। भाई की फरमाइश है कि एक मतला एक उखड़ा सुनाया जाए। राजन जी जो पिछले साल रिकॉर्ड हुआ था, किन किन लोगों ने सुना था वो? किस्मत का कलाम राजन जी किन किन लोगों ने सुना था?